जय भीम के चार दरिंदों ने एक बहन की आबरू लूटी, उसे मार डाला और जाति देखकर मामला निपटाया जा रहा है। कि चार दरिंदों ने एक बहन की आबरू लूटी, उसे मार डाला और जाति देखकर मामला निपटाया जा रहा है। और बड़े कमाल का देश है हमारा, जहां बलात्कार पर भी तमाशा किया जा रहा है। और जिस बहन के साथ दरिंदगी की गई, जब उसने उस पीड़ा को सहते सहते अपनी जान गवा दी, कि जिस बहन के साथ दरिंदगी की गई, जब उसने अपनी पीड़ा को सहते सहते जान गवा दी, तो कुछ दोगले नेता, कुछ गद्दार नेता कहते हैं कि उसका बलात्कार नहीं हुआ, वो चरित्रहीन थी। अरे जाहिल, अगर न्याय नहीं दे सकते तो इंसाफ नहीं कर सकते, हमें उम्मीद भी नहीं है। लेकिन क्यों उस बेटी को चरित्रहीन बताया जा रहा है, क्यों उस बेटी को चरित्रहीन बताया जा रहा है? विपक्ष वहां पहुंचा तो राजनीति कर रहा है, भीम आर्मी संगठन वहां पहुंचा अपने लोगों के हक की आवाज उठाने, अपनी बहन के लिए इंसाफ दिलाने, उस पीड़ित परिवार से मिलने, तो वो राजनीति कर रहा है, वो दंगा भड़का रहा है। तुम हमें न्याय नहीं दोगे, हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने जाएंगे तो तुम हमें जेल में डालोगे, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाओगे। ये सरकारें आती जाती रहती है साहब, ये जो वक्त के जालिम हुक्मरान है, ये सुन लें कि आप जो है इतना जुल्म, इतनी ज्यादती हमारे लोगों पे मत कीजिए। अगर निर्भया इस देश की बेटी थी तो मनीषा वाल्मीकि भी इस देश की बेटी है। और जो निर्भया के लिए उन चार दरिंदों को किया गया, वो मनीषा वाल्मीकि के लिए भी इन चार दरिंदों को किया जाएगा जिन्होंने दरिंदगी की। जय भीम।